नर्मदा का पानी मोक्षदायिनी शिप्रा नदी में छोड़ने के एवज में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण NDVA ने उज्जैन नगर निगम आयुक्त को 220 करोड़ 84 लाख रुपए का बिल भेजा है। यह बिल 22.60 रुपए प्रति घन मीटर जल की दर से उज्जैन नगर निगम को 1 फरवरी 2014 से 31 जनवरी 2019 तक मुहैया कराए जाने वाले 97.72 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का है। पूर्ण सलील नर्मदा का पानी मोक्षदायिनी शिप्रा में छोड़ने के एवज में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने उज्जैन नगर निगम आयुक्त को यह बिल भेजा है। किसी सरकारी एजेंसी को दिया गया यहां पानी का बिल अब तक के इतिहास में सबसे भारी भरकम माना जा रहा है। इधर नगर निगम उज्जैन का कहना है कि वह बिल जमा करने की स्थिति में नहीं है। महापौर ने बिल माफी के लिए शासन से बात करने की बात कही है। शिप्रा को प्रवाहमान बनाने के लिए प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार ने 5 साल पहले 432 करोड़ रुपए खर्च कर नर्मदा को शिप्रा से जोड़ा था। 16 फरवरी 2014 को जब नर्मदा शिप्रा लिंक योजना का लोकार्पण हुआ था, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा था कि इस संगम से मालवांचल की धरती समृद्ध होगी, किसान उद्योगपति समेत हर वर्ग के लोगों को पर्याप्त पानी मिलेगा। गत 5 सालों में नर्मदा का 97.52 MCM पानी शिप्रा नदी में छोड़ा गया। पानी आया मगर सिर्फ स्नान के लिए, वह भी कुछ ही दिनों में सिंचाई के लिए चोरी हो गया। फिलहाल NDVA ने 220 करोड़ रुपए का बिल के साथ अटैच एक पत्र में कहा है कि नर्मदा शिप्रा लिंक योजना से आपके द्वारा लिए गए 97.72 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का बिल, जो मात्र 220 करोड़ 84 लाख 72 हजार रुपए है, का शीघ्र भुगतान करने का कष्ट करें। ये बिल देखकर महापौर और अन्य अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। उज्जैन महापौर मीना जोलवाल ने कहा है कि हम बदली हुई सरकार से बात करेंगे, चूंकि ये पानी आम जनता के हित के लिए मंगाया गया था और नगर निगम अभी इतनी राशि चुकाने की स्थिति में नहीं है। इस तरह से 220 करोड़ रुपए की राशि को लेकर कोई बिल की बात आई है, और जिस तरह से उज्जैन शहर को हम की पहचान ही धार्मिक नगरी के रूप में है, और आए दिन यहाँ पर नहान होते रहते हैं, और उसके अलावा भी जब पेयजल की समस्या होती है तो उसको लेकर भी कई तरह के निर्णय प्रशासन द्वारा लिए जाते हैं। और चूंकि ये विषय भी अब आप लोगों के माध्यम से सामने आया है, मेरे सामने तो अभी तक ये विषय नहीं आया है, अब जो भी होगा आगे विचार करेंगे उसमें। मैम, ये आगे भी अब इस तरह के कभी नहान होंगे तो आप लोग तो शायद अब डरेंगे कि NVDA से पानी लिया जाए या नहीं जाए, क्योंकि इतना बड़ा बिल एकदम थमा देना बड़ा। नहीं, मुझे तो ये भी पता नहीं है कि ये जो बिल दिया है उन्होंने किस आधार पर दिया है ये बिल, और कितनी बातों को ध्यान में रखते हुए या कब कब पानी छोड़ा, टोटल पानी छोड़ा है उसके लिए दिया है, या नगर सरकार की आवश्यकताओं को लेकर दिया है। और बीच में भी आप जानते हैं जैसे पूरा पानी है उज्जैन शहर में आ जाता है, वैसा भी नहीं है, बीच में भी कई ग्रामीण क्षेत्र उसके अंदर आते हैं। विषय तो सामने आया है, जब भी आचार संहिता खत्म होगी तो विषय को संज्ञान में लेंगे। अभी तो प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लें, वो बदली हुई जो सरकार है जिन्होंने सौगात दी है उसके बारे में निश्चित ही हम हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भी बात करेंगे कि ये जनहितेशी बात है और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इस तरह के आयोजन प्रयोजन होते हैं। पूर्व में कभी भी ऐसा कोई विषय सामने नहीं आया, आज आया है तो क्यों आया है, क्योंकि पानी जो है सभी की मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत शामिल है। तो इस तरह से अगर निगम को 220 करोड़ रुपए का बिल अगर दिया है तो निगम तो बिल जमा करने की स्थिति में कभी भी नहीं रह पाएगी, आज क्या कभी भी नहीं रह पाएगी। तो चूंकि जनता का विषय है, आमजन का विषय है, धार्मिक महत्व का विषय है, तो करेंगे उनसे भी बाद में आचार संहिता खत्म होने के बाद में चर्चा। कमिंग अप न्यूज़ उज्जैन।